top 10 private bee schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. आपके जीवन की सबसे बड़ी जो समाज सेवक में बात करते हैं तो चुनौतियों का सामना करना पड़ा, कितनी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा सर उस बारे में? नहीं, चुनौतियाँ तो मैंने बताया कि आपको ऐसा कोई खास नहीं है, जितनी चुनौतियाँ होती हैं सब समाज से निकल के आती हैं और समाज के लिए जो आप काम करते हैं तो समाज की विसंगतियाँ ही सबसे बड़ी आपकी जो है चुनौतियाँ बन जाती हैं। अगर आप कहीं कुछ भी जैसे जाते हैं कि तो लोगों का जो एक्सेप्टेंस है वो आपके कार्यों के प्रति शुरुआत में बहुत धीमा होता है या कहा निर्णय होता है, लोग आपको शायद इस बात पर विश्वास नहीं करते कि आप ये काम कर सकते हैं या उनको कहीं एक डाउट होता है कि किस काम समाज के पीछे सेवा के पीछे आपका क्या कोई पर्सनल कोई एजेंडा तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं इसके कुछ आप कमाना चाहते हैं या कुछ और करना चाहते हैं। तो उन चुनौतियों को सामना करने के लिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपको बिल्कुल कमिटेड होकर काम करना चाहिए और बिल्कुल कमिटमेंट के साथ दूसरे पे विश्वास जीतने का प्रयास करना चाहिए। जब आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है बन जाती है तो लोग समय स्वयं ही आपको सहयोग करने लगते हैं, तन से मन से धन से। जैसे समाज की विसंगति की बात मैंने कही कि जैसे हम लोग कहीं अपने नवोदय फाउंडेशन के माध्यम से कहीं हम लोग जो स्लम एरियाज में या गांव में हम लोग सिलाई सेंटर खोलते हैं तो वो सिलाई सेंटर्स के अंदर जब हम लोगों को जाते हैं महिलाओं को सिखाने के लिए तो वहीं पर सबसे बड़ा रेजिस्टेंस हम लोगों को सामने निकल के आता है। महिलाएं सीखना चाहती हैं, आगे आना चाहती हैं, लेकिन उनके अपने जो दायरे ऐसे बने हुए हैं कि उसमें जात पात का और जाति का विवाद इतना ज्यादा हो जाता है कि फलाना जाति की लड़कियां या महिलाएं फलाना जाति के गांव में जाकर नहीं सीखे। तो ये एक होता है कि हम तो जहां सोचते हैं कि गांव में हमारे आपस में बड़ा अच्छे तालमेल है, लेकिन जाति की जो विष भरा हुआ है ये थोड़ा हम लोगों को तंग करता है। लेकिन धीमे धीमे इस पर भी हम लोग कोशिश करते हैं और इसके ऊपर हम लोग कहा जाए कि इसको हटाने का प्रयास करते हैं और चुनौतियों का सामना करते हैं। बाकी चुनौतियां जिंदगी में चलती रहती हैं, वो तो हर पग पग पे है और विजयी आदमी तभी होता है जब आपको दूसरे का विश्वास मिलना शुरू हो जाता है।